वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है श्रेनिक भंडारी और आज हम बात करने वाले एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में। एस्ट्रल का जो मेजॉरिटी रेवेन्यू आता था वो प्लम्बिंग बिजनेस से आता था एंड करेंटली भी प्लम्बिंग बिजनेस से ही मेजॉरिटी जो डोमिनेंट सेगमेंट है वो प्लम्बिंग बिजनेस ही है। लेकिन कंपनी ने अपना एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिला है। कंपनी वेरियस न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस में जा रही है। सो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि ये कैसे एक चेंज दिख रहा है एंड उसका फाइनेंशियल्स पे कैसे इम्पैक्ट आ रहा है कंपनी के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम एस्ट्रल के जो मेन बिजनेसेस है या जो मेन वर्टिकल्स है उनकी बात करें, सो देर आर 7 डिफरेंट हाई ग्रोथ कैटेगरीज जो जहाँ पे ये कंपनी केटर करती है। तो द फर्स्ट वन इज़ द पाइप्स एंड फिटिंग्स बिजनेस, उसके साथ वाटर टैंक्स, देन एडेसिव्स एंड सीलेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो पाइप्स होते हैं वो, फॉसेट्स एंड सैनिटरी वेयर, देन पेंट्स एंड स्पेशलाइज्ड वॉल्स। तो ऐसे कई सारे सेगमेंट्स में कंपनी अपने बिजनेस को बिजनेस करती है। तो इन सभी बिजनेस को कंपनी ने दो अलग अलग मेजर सेगमेंट या दो अलग अलग वर्टिकल में डिवाइड कर दिया है। वन इज़ द प्लम्बिंग सेगमेंट एंड द सेकेंड वन इज़ द पेंट्स एंड एडेसिव सेगमेंट्स। सो पेंट्स एंड एडेसिव में एज इट इज़ नेम्ड, तो पेंट और एडेसिव एंड सीलेंट्स का जो वर्टिकल्स आते हैं वो यहाँ पे फॉल होते हैं एंड फिर बाकी जो सेगमेंट्स है तो वो प्लम्बिंग सेगमेंट में क्लासीफाई होते हैं। फॉर एग्जांपल पाइप्स, फिटिंग्स, वाटर टैंक्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइप्स है, सैनिटरी वेयर है, फॉसेट्स है, तो ये सारे जो सेगमेंट्स है वो प्लम्बिंग बिजनेस में आते हैं। तो अगर हम कंपनी का रेवेन्यू मिक्स देखें तो FY23 में 73% प्लम्बिंग बिजनेस से रेवेन्यू आया था एंड 27% पेंट्स एंड एडेसिव बिजनेस से आया है। सो अगर हम रेवेन्यू के चार्ट देखें तो जो FY14 में 70 क्रोस का रेवेन्यू प्लम्बिंग बिजनेस, पेंट्स एंड एडेसिव बिजनेस से आता था वो अभी लगभग 1400 करोड़ पे आ चुका है। एंड वहीं FY14 में जहाँ प्लम्बिंग बिजनेस लगभग 1000 करोड़ का रेवेन्यू था वो आज क्लोज टू 3800 क्रोस आ चुका है। सो काफ़ी अच्छे से दोनों सेगमेंट भी ग्रो हो रहे हैं इस कंपनी के। लेकिन जो रेवेन्यू मिक्स है वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। सो सेगमेंट रेवेन्यू मिक्स अगर हम देखें तो FY14 में सिर्फ 6% रेवेन्यू पेंट्स एंड एडेसिव से आता था, वो अभी बढ़ के 27% पे हो गया है। एंड जो प्लम्बिंग बिजनेस का रेवेन्यू वो सिर्फ 73% पे। एंड जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है तो उनके CFO की एक ब्लूमबर्ग के में एक उन्होंने इंटरव्यू दिया था ब्लूमबर्ग क्विंट के साथ, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि दे आर टारगेटिंग 60-65% ऑफ मिक्स फ्रॉम द प्लम्बिंग बिजनेस एंड जो रिमेनिंग लगभग 35-40% जो रेवेन्यू रहेगा वो पेंट्स एंड एडेसिव से आएगा। सो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा पेंट्स एंड एडेसिव बिजनेस में आगे जाके। तो अगर हम प्लास्टिक पाइप्स वाले या जो प्लम्बिंग बिजनेस है उसकी बात करें तो देर आर वेरियस कैपेसिटीज़ जहाँ पे कंपनी की जो कंपनी के पास है लगभग 3 लाख टन्स की कैपेसिटी कंपनी के पास करेंटली है। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं इसके साथ साथ एक और प्लांट भी है कंपनी का जो उन्होंने रिसेंटली उन्होंने चालू किया है गुवाहाटी में, वो प्लांट बेस्ड है एंड दैट इज़ करेंटली हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 15,000 MT। उसके साथ साथ अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो प्लम्बिंग बिजनेस के वॉल्यूम्स जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है। YOY बेसिस पे अगर हम ग्रोथ देखते हैं तो 12%, 20%, 16% ऐसे कंटिन्यूसली कंपनी ने गुड वॉल्यूम ग्रोथ नंबर्स डिलीवर किए थे। FY20 से लेके 22 में सिंगल डिजिट ग्रोथ थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ हायर PVC प्राइसेस। तो इंडस्ट्री में क्या हुआ था कि जो एवरेज सेलिंग प्राइस थी कमोडिटी की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी थी, तो उस वजह से वॉल्यूम ग्रोथ पे इम्पैक्ट आया था। लेकिन ओवरऑल वैल्यू ग्रोथ अच्छे से ग्रो हुआ था। FY24 का जो फर्स्ट हाफ है तो H1 FY24 में भी कंपनी ने YOY बेसिस पे 30% लगभग 29.4% का ग्रोथ यहाँ पे पुटअप किया एंड मोर देन 1 लाख टन्स का वॉल्यूम इन्होंने ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। एंड अगर हम कंपेयर करें तो FY23 से ये नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्गर दिखाई देता है। सो अगर सेगमेंट के रेवेन्यू की बात करें तो हमने वॉल्यूम्स तो देख लिए लेकिन जो रेवेन्यू है वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है। FY21 एंड 22 में मोर देन 22% लगभग FY21 में 22% एंड FY22 में लगभग 39% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला था।
एंड इसके हाई बेस के बावजूद भी FY23 में 12% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। सो अगर हम लास्ट 10 ईयर्स की बात करें, FY14 से लेकर FY23 में 15.5% का CAGR इस कंपनी ने डिलीवर किया है ऑन द बेस ऑफ FY14। सो इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा एक कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है ये सेगमेंट से। FY18 में एक मार्जिनल डीग्रोथ देखने को मिला था, लेकिन उसके अलावा सभी ईयर्स में पॉजिटिव YOY ग्रोथ देखने को मिला है। प्लम्बिंग सेगमेंट की अगर हम बात करें तो EBIT मार्जिन जो है वो थोड़े से वोलेटाइल देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे PVC प्राइसेस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। एंड दिस वॉज द मेन रीज़न कि PVC बींग अ कमोडिटी, तो वहाँ उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए कंपनी ने 2011 में एडहेसिव्स एंड सीलेंट्स बिजनेस में एंट्री ली एंड उसके बाद से उसे अच्छे से स्केल करते गए जस्ट टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशन। तो हम देख सकते हैं कि जो प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट है, जो बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट है, वो एस्ट्रल का सबसे कम है FY23 में एज कम्पेयर टू द अदर कंपनीज इन दिस सेगमेंट लाइक सुप्रीम, प्रिंस पाइप्स, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट लिया था FY23 में जस्ट बिकॉज उनका जो भी बिजनेस है दैट इज़ होल्ली अराउंड PVC। सो एस्ट्रल इज़ अ वेरी वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस ईयर, ये यहाँ पे हम FY23 के नंबर से ये मेकआउट कर सकते हैं। कंपनी का जो दूसरा बिजनेस है तो वहाँ पे कंपनी एडहेसिव्स एंड पेंट्स बनाती है। तो एडहेसिव्स ये कंपनी ने बॉन्ड टाइट इस नाम से अपना एक ब्रांड बिल्ड करना चालू कर दिया एंड दे वांट टू ब्रिंग एवरीथिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बॉन्ड टाइट। सो सारे एडहेसिव्स एंड सीलेंट्स के जो प्रोडक्ट्स है वो मेजरली बॉन्ड टाइट के ब्रांड के अंडर ही कंपनी आगे जाके पुश करना चाहती है। एंड कंपनी के पास जेम पेंट्स है एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू रीलॉन्च द जेम पेंट्स का जो बिजनेस है, दे वॉन्ट टू रीलॉन्च अंडर द एस्ट्रल ब्रांड। सो वो खुद का एक और ब्रांड रीलॉन्च करना चाहते हैं। दैट्स व्हाट्स द कमेंट्री इज कमिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड। सो अगर हम एडहेसिव्स की कैपेसिटी देखें, सो UK एंड US में जो इनकी सब्सिडियरी एंड स्टेप डाउन सब्सिडियरी है, सो सीलिट इज़ द 95% सब्सिडियरी एंड जो सीलिट USA है वो सीलिट UK का 100% सब्सिडियरी है। सो उनका लगभग 31,600 मेट्रिक टन्स का उनका कैपेसिटी है एंड उसके साथ साथ इंडिया में देर आर 3 प्लांट्स जो टोटली इंडियन मार्केट्स को केटर करते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर हम पेंट्स की बात करें तो पेंट्स का जेम पेंट्स के अंडर 36,000 MTPA का इनका कैपेसिटी है। अगर हम इस सेगमेंट के रेवेन्यू ग्रोथ की बात देखें तो FY14 में कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस किए थे एंड वो FY15 में उसके वजह से जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो एकदम से शूट अप होता हुआ दिख रहा है, 220% का रेवेन्यू ग्रोथ एंड FY16 में भी 100% से ज़्यादा का रेवेन्यू ग्रोथ इस सेगमेंट में देखने को मिला था। उसके बाद थोड़ा सा ग्रोथ स्लो डाउन हुआ था FY20 में। इनफैक्ट जैसे उस बिजनेस ने नेगेटिव ग्रोथ दिया था, 10% से इस सेगमेंट का रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ था, लेकिन उसके बाद एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिला है, 35%, 35%, अगेन 35%। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है इस सेगमेंट में। सो FY14 से लेकर 23 तक की बात करें तो लगभग 40% का CAGR इस 9 सालों में यहाँ पे देखने को मिला है इस सेगमेंट के रेवेन्यूज़ में। अगेन यहाँ पे जो सेगमेंट का EBIT है, सो वो EBIT भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 15-16% के EBIT यहाँ पे आ जाते हैं लगभग। लेकिन FY22 एंड 23 दोनों ही साल एडहेसिव एंड पेंट बिजनेस के लिए काफ़ी ख़राब थे, बिकॉज क्रूड डेरिवेटिव्स है, काफ़ी सारे रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस है वो 3x भी हो चुके थे। मेजरली जो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स है उनके प्राइस तो मिनिमम डबल तो हो ही गए थे। तो अभी जब एक स्मूदनिंग देखने को मिल रही है टूवर्ड्स द एंड ऑफ FY23 एंड एज वी हैव एंटर्ड FY24, तो वो जो स्मूदिंग देखने को मिल रही है तो मार्जिन इम्प्रूवमेंट यहाँ से आगे जाके होना चाहिए, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हम इस सेगमेंट में मतलब एक्सपेक्टेशंस रहनी चाहिए इस सेगमेंट के लिए। सो अगर कंपनी के अपकमिंग प्लांट्स की बात करें तो देर आर 3 प्लांट्स मेजरली। तो दहेज में एक एडहेसिव्स का प्लांट है जो वो लोग जिस पे काम कर रहे हैं, जो गुवाहाटी का प्लांट है वो रिसेंटली कमीशन हो चुका है एंड हैदराबाद का प्लांट है जो FY26 तक के फुल्ली कमीशन हो जाएगा। सो हैदराबाद के अलावा कंपनी ने एक और एक्सपांशन रिसेंटली अनाउंस किया है
सो यूपी में ऑल्सो दे आर एक्सपांडिंग एंड वहाँ पे फर्स्ट फेज में 50,000 मेट्रिक टन्स का पाइप का कैपेसिटी दे आर ट्राइंग टू पुट अप एंड उसके साथ साथ डी बॉटल नेकिंग एक्टिविटीज़ पे भी वो लोग काम करेंगे, जिससे FY 2026-27 तक के काफ़ी ज़्यादा जो इनकी कैपेसिटी है वो इनको अवेलेबल हो जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एस्ट्रल लिमिटेड, उनका बिजनेस कैसे चेंज हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्टोरी दिख रही है। बिकॉज जब कंपनी ने एडहेसिव बिजनेस में एंट्री ली तो उस टाइम पे पिडिलाइट के अलावा कोई भी दूसरा प्लेयर नहीं हुआ करता था, एंड ऐसे स्ट्रॉन्ग मोनोपोली को चैलेंज करना दैट इज इन इट्सेल्फ इज अ वेरी ह्यूज टास्क। एंड आज एस्ट्रल काफ़ी स्ट्रांगली अपने रेवेन्यू को, जो इनके एडहेसिव वाले रेवेन्यू है उसको काफ़ी स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है। 40% का CAGR करना, दिस इज नॉट अ जोक ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, एंड ये सेगमेंट इस कंपनी के लिए नेक्स्ट मेजर ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। एंड इसी का यही टारगेट कंपनी कर रही है। इनफैक्ट इन्होंने मैनेजमेंट में भी जो चेंजेस लाए हैं, सो जो सेकेंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, तो कंपनी के जो फाउंडर है उनके दोनों बेटे हैं, तो एक बेटा प्लम्बिंग बिजनेस को अलग से संभाल रहा है एंड वन इज लुकिंग आफ्टर द पेंट्स एंड एडहेसिव्स बिजनेस। तो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड ऑपरेशन ये लोग कर रहे हैं एंड ये जो ग्रोथ भी है तो दे आर एक्सपेक्टिंग हायर ग्रोथ इन दिस सेगमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ से ज़्यादा आ सकती है, ऐसा इनका मानना है। तो इसी वजह से एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हमें एस्ट्रल लिमिटेड में देखने को मिल रहा है। अगर आपको एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हो तो एक डिटेल वीडियो हमारे स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, तो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट investyadnan.in एंड वहाँ पे आप ये सारे वीडियोस, सिर्फ एस्ट्रल लिमिटेड के नहीं कई सारी कंपनीज के डिटेल वीडियोस आप वहाँ पे देख सकते हो। तो प्लीज़ डू विजिट आवर वेबसाइट एंड ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।